हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता चल पाया है कि EWS DG कैटेगरी के फॉर्म क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि EWS DG कैटेगरी के फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हर साल निकलते हैं और ये DOE की तरफ से फॉर्म रिलीज होते हैं और इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाता है। और इस फॉर्म के तहत आप अपने बच्चे का जो नाम है, आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है तो आपके बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में, जिस भी स्कूल में उसका नाम आया है, उस स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, बिल्कुल निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और देखिए, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है इस फॉर्म के बारे में, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप ये जो फॉर्म निकले हुए हैं 29 मार्च 2022 से, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और बहुत सारी कंफ्यूजन जो प्रैक्टिकली पेरेंट्स के मन में होती है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है, जिसको देख कर आप समझ पाएंगे कि EWS DG कैटेगरी के फॉर्म क्या होते हैं और आप इस फॉर्म को एलिजिबल है या नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज बनाई है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका दे सके, तो आप इस फॉर्म को, जिसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2022 है, लास्ट डेट से पहले अपने बच्चे का फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। और फॉर्म कैसे भरे जाते हैं ऑनलाइन, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, फॉर्म को समझ सकते हैं, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आपको सारी चीजें समझ सकते हैं और अपने बच्चे का फॉर्म 2022 और 2023 के सत्र के लिए EWS DG कैटेगरी के तहत भर सकते हैं। देखिए, आज मैं बात कर रही हूं कि इस फॉर्म को भरने के बाद, जिसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2022 है, इस फॉर्म को भरने के बाद जो रिजल्ट है कि किस बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आया है या नहीं आया है, वो रिजल्ट कैसे पता चलेगा और किस डेट को रिजल्ट आउट होगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 19 अप्रैल 2022 को फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी DOE की तरफ से। और जो ये लिस्ट है, कहीं आपको स्कूल में जाकर चेक नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आप जाकर जिन जिन स्कूलों में भरा है वहां पर चेकआउट करेंगे, वहां पे पता करेंगे, ऐसा नहीं है। लिस्ट भी, जैसा कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, तो लिस्ट भी ऑनलाइन ही निकलेगी DOE की साइट पर। कैसे आपको रिजल्ट देखना है बच्चे का, कैसे लकी ड्रॉ में नाम आया आपके बच्चे का या नहीं आया, कैसे देखना है, इसके रिगार्डिंग में वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप केवल अपने बच्चे का फॉर्म ध्यान से भरिए, तसल्ली से भरिए और सही तरीके से भरिए, ताकि आपके बच्चे का नाम आने के चांसेस ज्यादा हो इस साल, क्योंकि इस साल प्राइवेट स्कूलों में जनरल कैटेगरी के एडमिशंस बहुत ही अच्छी मात्रा में हुए हैं। और उसके साथ साथ ही जो सीट डिपेंड करती है EWS DG कैटेगरी के, वो जनरल सीट के पर ही डिपेंड करती है, उन्हीं के टोटल सीट पर परसेंटेज ऑफ नंबर EWS DG कैटेगरी के तहत निकाला जाता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि इस साल 2022 और 23 के सत्र में अपने बच्चे का फॉर्म भरने का मौका बिल्कुल भी मत गवाइएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं। कहीं आपको कंफ्यूजन होती है तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए और मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।